आपके साथ कोई कहा हमला हुआ है? हमारा प्रॉब्लम है जिस कारण से आपको रोड में आना पड़ा है। प्रॉब्लम ये है फीस कितना रहता होगा सरकार? हमारे सरकार क्या चीज के लिए मांग में आए? नहीं आप जिसलिए नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर रितेश, आप फिर से देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मेरे पास में आप लोग देख रहे हैं, मेरे पीछे देख रहे हैं काले कोट वाले कैसे यहाँ पास रोड में बैठे हुए हैं। यहाँ जो काले कोट वाले होते हैं, जो वकील होते हैं, जो अधिवक्ता होते हैं, वो सभी हमारे जनताओं की जो जितना दुख तकलीफ होते हैं वो न्यायालय में पेश करके उसकी जनता की लड़ाई लड़ते हैं दोस्तों। लेकिन आज वो वकील अपने आप के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं दोस्तों। आइए इन लोगों से पूछते हैं क्या क्या चीज के बारे में इन लोग आंदोलन कर रहे हैं, इतनी बड़ी आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा क्या चीज है उसका मांग को पूरा नहीं कर पा रही है उसको, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ दोस्तों। और आप लोग देख रहे हैं लगातार लगभग यहाँ सुबह 9 बजे से यहाँ आंदोलन चालू हो गया दोस्तों। आप लोग हमारे पीछे देख सकते हैं कैसे काले कोट वाले यहाँ पास लाल कुर्सियों में बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि कहा जाता है कि जितना जनता जो वकील न्यायालय में जाते हैं, वकील लोगों के पास जाते हैं, जो जनता की बहुत सारे जो केस होते हैं और सबसे ज्यादा पैसा जनता से वकील द्वारा लिया जाता है दोस्तों। लेकिन ऐसा क्या परेशानी आ गया है दोस्तों, और आप लोग देख रहे हैं काले काले कोट में और सफेद कपड़े में ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं और अपने समस्याओं को सरकार को किस टाइप से, यहाँ कलेक्टर ऑफिस है जैसे आप लोग हमारे साइड में देख रहे हैं, जैसे आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं कलेक्टर ऑफिस है दोस्तों, बहुत भव्य कलेक्टर ऑफिस है। और यहाँ साइड में देख सकते हैं यहाँ पास काले कोट वाले कलेक्टर ऑफिस के सामने लोग आंदोलन कर रहे हैं दोस्तों। ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया, ऐसा क्या चीज उनको नहीं मिल रहा है जिसके कारण इनको इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं दोस्तों? अपने कामों को छोड़ के लोग इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, इनसे पूछेंगे क्या ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया दोस्तों, ऐसा माना जाता है दोस्तों, और क्या प्रॉब्लम है इसके जिंदगी में, ऐसा क्या प्रॉब्लम आया है, क्या चीज मांग कर रहे हैं इसको हम पूछने वाले हैं। तो भैया थोड़ा से बोलना चाहोगे क्या चीज के लिए मांग में आए? देख सकते हैं दोस्तों वकील से अभी पूछे हम और वो कुछ नहीं बता रहे हैं और बस बात कर रहे हैं और यहाँ आंदोलन करने के लिए आए हुए हैं और इनसे पूछते हैं, सब फोन में बिजी है और आंदोलन करने में जुटे हुए हैं दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं लगभग यहाँ कितने संख्या में आए हैं और आधे लोग फोन में बिजी हुए हैं। भैया क्या चीज के लिए हो रहा है आंदोलन? ये थोड़ा से उठाइए ना, अध्यक्ष बैठे लो, अध्यक्ष है। नहीं आप किस लिए आए हैं? अध्यक्ष हुआ थोड़ा यहाँ पास आइए ना, हाँ आ जाओ ना थोड़ा सा आ जाओ। देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास अभी एक वकील मौजूद है, इनसे पूछते हैं क्या चीज के लिए आंदोलन लड़ रहे हो भैया? हम लोग आज पूरे अधिवक्ता संघ एकजुट होकर प्रदेश स्तरीय आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें हमारी ये तीन महत्वपूर्ण मांगे हैं। पहली मांग यह है कि हमारे सुरक्षा के लिए, हमारी आत्म सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। हम लोगों को वकालत के दौरान कई प्रकार की वाद विवाद एवं परेशानियों से गुजरना पड़ता है, इस पर हमारी सुरक्षा के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं कर रखा है। तो उस सुरक्षा विधेयक पास करने के लिए अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की मांग हमारे द्वारा की गई है। दूसरी मांग यह है कि हमको किसी प्रकार का कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता, हम जो कार्य करते हैं क्लाइंट से जो हमें फीस मिलती है उसी के आधार पर हमारा घर परिवार चलता है। दोस्तों आप लोग बने रहिए, ये तो भैया वकील का भी जो बता रहे हैं और इनके द्वारा मेरे द्वारा कुछ प्रश्न पूछेंगे। हमको किसी प्रकार का शासन से कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है, हम जिस दिन काम पर उपस्थित होते हैं कोर्ट में उसी दिन हमें जो फीस मिलती है क्लाइंटों से उसी से हमारा घर परिवार चलता है। और इस पैसे में कई प्रकार के रिस्क हैं, उस रिस्क में कई प्रकार का वाद विवाद झगड़ा लड़ाई से हमें गुजरना पड़ता है, जिसके लिए सरकार ने हमारी सुरक्षा के लिए कोई कानून व्यवस्था नहीं तैयार किया है, तो वो व्यवस्था हम चाहते हैं सरकार से। दूसरी बात यह है कि जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारे घर में हमारे पीछे जो परिजन रहते हैं उन परिजनों के लिए कोई खाने पीने की व्यवस्था, उनकी जिंदगी भर की व्यवस्था के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठाती है। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारा एक सामूहिक बीमा हो, जिससे हमारे मरने के बाद हमारे परिवार को वो बीमा की राशि से जीवन गुजारा करने का एक सहारा मिल सके। तीसरी बात,
हम जब जिस दिन हम गुजर जाते हैं, इस दुनिया में नहीं रहते हैं, तो हमारा एक सामूहिक बीमा जो हुआ रहेगा, उस बीमे की राशि से हमारा परिवार चल सके, बस यही हमारी मांग है सरकार से। और हम चाहते हैं कि अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करें। जी, आपका जो मांग है वो मोदी करेंगे कि वो हमारे भूपेश सरकार करेंगे, आपका जो मांग है वो? हमारी मांग तो पूरी संपूर्ण रूप से मोदी जी ही करेंगे, पर हमारा माध्यम जो होगा छत्तीसगढ़ शासन ही होगा जी। विधेयक जो है विधानसभा में पास होने के बाद लोकसभा में जाएगा जी। उसके बाद ही मोदी जी जो है उसको क्रियान्वित करेंगे। और ये आंदोलन लड़ रहे हैं तो आप सिर्फ राजनांदगांव जिले से लड़ रहे हैं कि पूरा छत्तीसगढ़? ये हमारा आंदोलन जो है प्रदेश स्तरीय है, प्रदेश में जितने अधिवक्ता है सबके कल्याण के लिए हम विधेयक चाह रहे हैं जी। ये सिर्फ राजनांदगांव में चल रहा है इतना बड़ा आंदोलन कि बाकी सारी जिलों में चल रहा है? ये प्रत्येक प्रदेश के प्रत्येक जिले में, छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रत्येक जिले में हम लोग सामूहिक रूप से अपने अपने जिले में एकत्रित हुए हैं जी। तो आप लोग सरकारी है कि नहीं है? कई लोग हमारे नहीं जानते हैं, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि काले कोट लगा के आप लोग आते हो और आप लोगों के द्वारा, कई जनता के द्वारा ज्यादा पैसा लिया जाता है, इस कारण से सरकार का कहना है कि उसकी जो है ऐसा है कि अधिवक्ता अपनी जितनी मेहनत करता है उसकी फीस लेता है जी, और फीस जो लेता है उसी के हिसाब से हमारा वो होता है। और हमारे द्वारा कोई अलग से कोई फीस मांग नहीं की जाती है जी। ये जो आरोप लगाया है सरासर गलत है जी। और ये आप लोग का फीस कितना रहता होगा सरकार? हमारे सरकार हमको कोई फीस नहीं देती। तो आप किससे लेते हो पैसा? हम अपने क्लाइंट से लेते हैं पैसा। क्लाइंट से मतलब? क्लाइंट मतलब जो हम जिसकी तरफ से हम पैरवी करते हैं, वो पैरवी करते हैं, उनके लिए जमानत कराते हैं, जो भी करते हैं उनकी ओर से लड़ते हैं, उससे पैसा लेते हैं। और आप एक वकील हो? जी हम एक वकील। कहाँ से? वक्त मैं राजनांदगांव का हूँ। क्या नाम है आपका? अरुण अनोखे। अरुण अनोखे। आज तक आपने कौन कौन सा केस लड़े हैं, उसमें सफल हुए हैं आप? मैंने आज तक के बहुत सारे केस लड़े, 302 और 307 और तुम्हारा क्रिमिनल केस में मोटर वाहन अधिनियम के तहत, और वैसे मैं इंश्योरेंस कंपनी का भी वकील हूँ जी। ऐसा सब 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 सारे मतलब काम कर ले तो ऐसा है। और आज आप कई सारे लोगों को दुख तकलीफ को अपना न्यायालय में पेश करके उनके समस्या को हल करते हैं, लेकिन ऐसा आज आपका क्या प्रॉब्लम है जिस तरह से आपको रोड में आना पड़ा है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे साथ कई प्रकार की घटनाएं और दुर्व्यवहार होता है। जैसे हम जिसके लिए लड़ते हैं और मान लो हमारे हार जाते हैं या दूसरा कोई हमारे ऊपर आपराधिक घटना करता है तो हमको कोई सुरक्षा नहीं मिलती, उस आपराधिक घटना को करने के लिए उसके उत्साह पड़ जाता है, कारण हमको परेशानी होती है। हम चाहते हैं कि वो प्रोटेक्शन लागू हो जिससे जो अधिनियम लागू हो उसमें अजमानती अपराध जिसने हमारे ऊपर कार्रवाई मतलब हमारे ऊपर हमला किया है, अजमानती अपराध लागू हो। जितना मैं जानता हूँ उतना अगर बात करूँ तो आप एक वकील हो, मेरे से ज्यादा आप कई सारे धाराएं जानते होंगे, लेकिन हमारे जो संविधान बना है ना उसमें आपके ऊपर जैसे कोई भी इंसान अगर कोई गलत करता है तो उसके ऊपर केस होता है, तो आप ऐसा चाहते हो कि आपके लिए कुछ अलग से एक्ट बनाया जाए? हमारे लिए अलग से एक्ट बनाया, क्योंकि हमारे अलग से कोई एक्ट नहीं है, संविधान सबके लिए है, कानून सबके लिए है। लेकिन क्या होता है वकीलों के ऊपर जानबूझ के कोई हमला करता है तो किसी प्रकार का, जैसे डॉक्टर को सुरक्षा मिल गई है और शासकीय कर्मचारी को सुरक्षा मिलती है और सबको सुरक्षा मिलती है, हम एक प्राइवेट काम करते हैं लेकिन नहीं। आपके साथ कोई हमला हुआ है? हमारे साथ नहीं हुआ, लेकिन हमारे अधिवक्ता के साथियों के साथ किया गया जिसमें हम लोग विरोध किए हैं। ऐसा क्या हुआ है? तो ऐसा है कि ना यहाँ पास आओ दोस्तों, हमारे देख रहे हैं हमारे पीछे में आप लोग जितने काले कोट वाले सब बैठे हुए हैं, यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं ये लोग सारे वकील है यहाँ, और अपनी मांग को लेने के लिए सीएम से मांग कर रहे हैं दोस्तों। और कई सारे जो बातें हैं सिर्फ यहाँ पास इतने सारे देख रहे हैं हमारे कैमरा को, लेकिन एक वकील उठकर यहाँ पास नहीं आ रहे, सिर्फ ये भैया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरुण कुमार अनोखा, एडवोकेट राजनांदगांव। सिर्फ यही आए हैं और कई सारे लोगों को मैं दिखा चुका हूँ अपने मांग के लिए यहाँ पास लड़ने के लिए आए हैं, लेकिन कई सारे ऐसे वकील हैं जो यहाँ पास मांग करने के लिए आए हैं और मोबाइल में कई सारे बिजी है, और क्या उनको मांग क्या वो दिखाई दे रहा है दोस्तों? उसको चेहरे में एक भी प्रकार का दुखी नहीं दिखाई दे रहा है। अगर वो मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूं तो अगर इन लोग अच्छे से अपने आवाज को बुलंद होकर एक साथ बोले ना हमारे मीडिया के माध्यम से, ये हमारे मीडिया के माध्यम से ये पूरे नरेंद्र मोदी का तक जा सकता है भैया, ये पूरा नरेंद्र मोदी बिल्कुल जा सकता है। हमारा जो ये
एक दिवसीय धरना प्रोग्राम है, ये छत्तीसगढ़ के सिवा देशव्यापी भी होगा, पूरा देशव्यापी होगा। लेकिन यहाँ पे जो कई सारे वकील हैं यहाँ पर हमारे पास नहीं आ रहे, अपने प्रॉब्लम को नहीं बता रहे। पहला दो चार वकील के पास गया लेकिन वो अपने मोबाइल से बिजी है, ऐसा क्यों बिजी है? वो क्या है कि कुछ परिस्थितियाँ थी, वो जब तक वो आदेश न करे या हमारा संघ का आदेश न हो तब तक कुछ नहीं। इसमें आदेश वाली बात नहीं है भैया, इसमें आप सब लोग लड़ने के लिए आए हो। आप हमारे मीडिया के माध्यम से पूरा देश विदेश देख रहा है, पूरा मेरा मीडिया को सीएम देखते हैं, विधायक देखते हैं, सारी पूरा एसपी देखते हैं, कलेक्टर देखते हैं, सारे अधिकारी देखते हैं। लेकिन हमारे माध्यम से अगर इन लोग आए, अगर कुछ प्रॉब्लम आपने बताए तो उसका समस्या हल हो सकता है। लेकिन मैं अभी कई सारे वकील के पास गया लेकिन नहीं आया। हमारे जो वकील साहब अभी जो धरना स्थल में बैठे हैं, वो धरना स्थल में जो वक्तव्य बोला जा रहा है उसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है। मैं चूंकि यहाँ हमारे साथी आपने करके उठ के माया, बाकी हमारे सब प्रोग्राम में धरने में स्थल में उनको सुन रहे हैं। और आपका ये जो आंदोलन है कब तक रहेगा भैया? ये एक दिवसीय आंदोलन है, 11 बजे से 4 बजे तक का हम लोग कार्य से वितरित रहेंगे। और 4 बजे एक हम वो क्या बोलते हैं ज्ञापन कलेक्टर के और एसपी के कलेक्टर के नाम से देंगे और सेंटर तक जाएगा। जी सर, ठीक है दोस्तों, आप लोग सुनिए भैया का, जो वकील साहब है जिला राजनांदगांव जिला अधिवक्ता जो संघ है दोस्तों, अपने अपने जितनी भी दिक्कत है हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग को बताएं। और दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना और ये वीडियो तो हर मंत्री के पास जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। हमारे वकील आज हमारे राजनांदगांव के वकील यहाँ पर रोड में बैठे हुए हैं, हमारे जो जितने सारे जनता के जो परेशानियां होती है उसे वकील के द्वारा ही, जो कई सारे जो केसेस हैं इसके द्वारा ही निर्णय लेकर पूरा समस्या का हल किया जाता है। लेकिन आज पूरा राजनांदगांव के जितने न्यायालय आज पूरा खाली हो गया दोस्तों। फिर से मिलते हैं, आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।